Hello everyone, today we are going to discuss fourth question of cellular foundation. Our question is, if the size of the footing in question number 3 has to be restricted to 1.75 into 1.75, at what depth the footing should be placed? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, अगर उसमें हम जो साइज़ है हमारी फुटिंग का वो 1.75 into 1.75 रिस्ट्रिक्ट कर इतना ही रखें, देन जो हमारी फुटिंग होगी उसकी डेप्थ क्या होगी। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो, दिस इज़ आर थर्ड क्वेश्चन, इसमें जो सुपर स्ट्रक्चर था वो जो कॉलम पे लोड अप्लाई कर रहा था वो 125 टन था, एंड इसमें हमें डेप्थ दे रखी थी और हमसे साइज़ पूछा था। एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 हमें डेप्थ नहीं दे रखी है, साइज़ दे रखा है, हमें डेप्थ पूछी है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। लेट डी विद द रिक्वायर्ड डेप्थ, हम मान लेते हैं कि जो डी है हमारी वो रिक्वायर्ड डेप्थ है। देन हमें पता है कि क्यू जो नेट अल्टीमेट होता है उसका फार्मूला ये होता है, ये इतना फार्मूला क्यू अल्टीमेट का है, इसमें से ओवरबर्डन प्रेशर माइनस कर देंगे देन वी गेट क्यू नेट अल्टीमेट। और जो हमारी प्रीवियस क्वेश्चन में वैल्यूज थी उसमें सी जीरो था, एंड बाकी सारी वैल्यूज प्रीवियस क्वेश्चन से हम रख लेंगे। बस हमें जो यहाँ पे डी है वो नहीं रखनी है क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, और जो हमारी बी की वैल्यू है वो यहाँ पे हमें दे रखी है 1.75, वो पुट कर लेंगे। देन आफ्टर सॉल्विंग वी गेट दिस वन। नाउ हमें हमने क्यू नेट अल्टीमेट निकाल दिया, अब हम इससे क्यू नेट सेफ वेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। सेफ वेयरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ वेयरिंग कैपेसिटी के लिए हमें क्यू एन यू को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना होता है। जो पिछले क्वेश्चन में हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी था वो 2.5 था। नाउ आफ्टर सॉल्विंग वी गेट दिस वन, एंड वी नो डैट, हमें पता है कि जो हमारा क्यू नेट अल्टीमेट होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है। तो लोड हमें 125 दे रखा था सुपर स्ट्रक्चर का, एरिया हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है 175 into 175। देन वी गेट दिस वन। नाउ दिस इज क्यू एन एस एंड दिस इज ऑल्सो क्यू एन एस। सो आफ्टर इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट वैल्यू ऑफ डी, दैट इज 1.97 मीटर। इसको हम अप्रॉक्स 2 मीटर ले सकते हैं। हेंस द फुटिंग हैज़ टू बी फाउंड फाउंडेड एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। सो हमारा जो आंसर था वो हमारा 2 मीटर आ जाएगा। अगर हमारी फुटिंग की साइज इतनी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी देन जो हमारी डेप्थ होगी वो 2 मीटर होगी। थैंक यू।